हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि दोस्तों अपने पिछले वीडियो में मैंने कुछ मैथ मैजिक को अपलोड किया था, तो आज भी हमारा टॉपिक यही रहेगा, गणित का जादू मैथ मैजिक। कुछ ट्रिक देखेंगे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज मैथ मैजिक में हमें क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। इस सिंप्लीफिकेशन में हमें ये तीन पॉइंट को कवर करना है, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव और भिन्नों का गुणा। इन तीन पॉइंट में से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और हम उन्हें लॉन्ग मेथड से करते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग मेथड नहीं, उसके लिए कुछ ट्रिक है जो बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला प्रश्न है जो 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 से लेकर 1/110 तक है। इसमें यहाँ आपको एक लिखी हुई बात भी दिख रही होगी जिसमें ये लिखी गई है कि सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों 1/30 में अंश और हर आप लोगों को तो पता ही है कि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, तो हर का गुणनखंड करेंगे यानी 30 का गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड वैसी संख्या हो जिसका अंतर अंश के बराबर हो। तो मान लेते हैं दोस्तों, अगर मैं 30 का गुणनखंड करूँगा तो ये आपका 2 से 15 और फिर ये आपका 3 से 5। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, गुणनखंड करने के बाद गुणनखंड वैसी संख्या हो जिसका अंतर अंश के बराबर हो। अगर दोस्तों मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 3 यानी 6 और ये 5, तो देख सकते हैं इनको गुणा करने पे हमें तो ये संख्या मिल जा रही है और इन दोनों का अंतर हमारे अंश के बराबर हो रहा है। तो यानी दोस्तों हमें वो संख्या मिल गई 6 और 5। और दोस्तों उसके बाद अगर हम दूसरा संख्या देखते हैं 1/42, उसका अगर खंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख सकते हैं 2 से अगर 42 को हम खंड करें तो ये 2 से 21 बार में, फिर ये 2 से 3 से 7 बार में, तो यहाँ पे हमें अंतर इसका मिलेगा 6 × 7 यानी 7 में से 6 घटाने पर 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि देख सकते हैं, और पहले अंक का खंड यानी जो पहला अंक आया है उसका खंड अंतिम अंक दूसरे खंड का प्रथम अंक होना चाहिए। यानी पहले अंक का जो खंड होगा और उस खंड का अंतिम अंक जो होगा वो दूसरे खंड का प्रथम अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मैंने इसका खंड किया तो मैंने इसको लिख दिया 1/5 × 1/6। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं इसको 1/6 × 1/5 क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर इस बात में कह रहे हैं ना, यहाँ पे पॉइंट कि पहले अंक का खंड का अंतिम अंक यानी पहले अंक के खंड का अंतिम अंक दूसरे खंड का प्रथम अंक होना चाहिए। यानी यहाँ देख सकते हैं, अगर ये पहले खंड का अंतिम अंक 6 है तो दूसरे खंड का अंतिम अंक में प्रथम होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 अंतिम में है तो यहाँ पे प्रथम में, सेम वहीं यहाँ पे 7 अंतिम में है तो ये 7 प्रथम में, 8 अंतिम तो ये 8 प्रथम, 9 अंतिम में है तो 9 प्रथम में, 10 अंतिम में है तो 10 प्रथम में। तो दोस्तों हम इस तरीके से खंड ये वाले मेथड से नहीं करेंगे, हमें तो यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया है कि वैसा खंड लेना है जिसका अंतर अंश के बराबर होगा। तो हम तो मन में भी सोच सकते हैं दोस्तों कि 42 है तो 6 × 7 यानी 7 में से 6 गया तो अंतर हमारा 1 आ जाएगा, 56 है तो 8 × 7 तो 7 में से यानी 8 में से 7 गया तो अंतर 1 आ गया। उसी तरीके से हम करते चलेंगे इस मेथड से दोस्तों, अगर ऐसे खंड करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमारा प्रश्न प्लस में दिया होगा तो हम इसको फिर इस पैटर्न में तोड़ देंगे, यानी 1/5 − 1/6। इस पैटर्न में तोड़ने का मतलब है दोस्तों, अगर अगर हम 1/5 − 1/6 इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें जो हमारा पहला संख्या दिया हुआ है 1/30 वो प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे यहाँ पे हो जाएगा क्या,
इसका 30, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, और 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 8 और नीचे 30, यानी देख सकते हैं ये पहली वाली संख्या हमें मिल गई 1/30, ये वाली संख्या, इसीलिए मैं इसको इस पैटर्न में लिख दिया। तो दोस्तों हमें सिंपल ये सोचना है कि 1/30 है तो उसको हम एक बार खंड वैसे करेंगे जिसका अंतर अंश के बराबर आएगा, उसके बाद अगर संख्या प्लस में दी हो तो हम क्या कर देंगे माइनस में लिख देंगे, जैसे 1/5 माइनस 1/6, इसको हम लोग 1/5 माइनस 1/6 लिख देंगे, यहाँ जो प्लस है ये साइन वैसे ही रहेगा, फिर 1/6 को 1/6 माइनस 1/7, जो प्लस की साइन है वो सेम रही यहाँ पे, उसी तरीके से 1/7 माइनस 1/8 जो साइन प्लस का है वो वैसे ही रहा, सेम ये चलता रहेगा। उसके बाद जो तो हमें ये करना है कि अब देखेंगे कि कौन सी संख्या माइनस में है कौन सी प्लस में है, यहाँ पे हमें दिख रही होगी कि यहाँ पे ये माइनस 1/6 और ये प्लस में 1/6 यानी कट गया, माइनस 1/7 और ये प्लस में 1/7 ये भी कट गई, 1/8 माइनस में और 1/8 प्लस में है, 1/9 माइनस 1/9 प्लस में, 1/10 माइनस और 1/10 प्लस में। तो हमें दोस्तों अब क्या प्राप्त हुई, संख्या एक प्राप्त हुई है 1/5 और ये एक माइनस में 1/11 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं ये भी ट्रिक तो है नहीं, काफ़ी लॉन्ग लग रहा है, तो जी नहीं दोस्तों, अभी आप लोग को समझाने के लिए मैंने इतना लॉन्ग मेथड यूज़ किया, उसके बाद अगर आप लोग बनाने लगिएगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोगों को बस ये ध्यान देना है अगर प्रश्न प्लस से स्टार्ट हो, इस टाइप का प्रश्न हो तो कुछ नहीं, हमें अंतर देख लेना है कि उसके अंश के बराबर आ रहा है कि नहीं, हर का गुणनखंड करके, ठीक है दोस्तों। तो वैसे देखने के बाद ये ध्यान रखिएगा अगर प्लस में होगा तो हमें सिर्फ पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या लेनी है, ठीक है। तो पहली वाली संख्या मैंने ले ली 1/5 और अंतिम वाली 1/11, अगर ये प्लस से स्टार्ट है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है दोस्तों, अगर ये प्लस से स्टार्ट है यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं हमारा फिर ये पॉइंट बच गया। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें नीचे वाले के एलसीएम लेंगे तो ये, और ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर ये प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न माइनस में है, अभी हमने प्लस में देखा वही चीज़, अभी अब दूसरा हम माइनस में देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो पहले एक दिया है इसको एज इट इज़ रहने देना है, वैसे ही रहने देना है दोस्तों, ठीक है। अब 1/6 है इसका खंड करेंगे, वैसा खंड करना है जिसका अंतर अंश के बराबर आना चाहिए, तो ठीक है 2/3, और ये भी ध्यान रखना है कि 2/3 यहाँ पर या 3/2 वैसे लिखना है कि जिस खंड का अंतिम अंक जो होगा वो अगले में इसका प्रथम होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 अंतिम है तो दूसरे में प्रथम है, 4 अंतिम है तो प्रथम है, यहाँ पे 5 अंतिम है तो यहाँ 5 प्रथम है, 6 अंतिम है तो 6 प्रथम है, 7 अंतिम है 7 प्रथम है। तो अभी दोस्तों हमने प्लस में किया था, तो प्लस में करने पे हम क्या करते थे, यहाँ पे जो 1/2 और 1/3 था जो प्लस में होता था, यहाँ पे हम उसको 1/2 और माइनस 1/3 कर देते थे, लेकिन अगर ये माइनस से स्टार्ट है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/3, माइनस वाला जो साइन है दोस्तों वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो खंड किए हैं उसका साइन चेंज हो जाएगा। वो साइन कब चेंज होगा, जब यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है दोस्तों। अब 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है, फिर ये माइनस का साइन है, ये माइनस रहेगा, 1/5 1/6, ठीक है दोस्तों, वैसे करते हुए हम यहाँ अंत तक लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान हम देख सकते हैं कि ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे प्लस का 1/3 और ये माइनस का 1/3 ये कट गया, ये प्लस का 1/4 माइनस का 1/4, प्लस का 1/5 माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी संख्या बच गई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच गई है एक तो पहले से था वो है, उसके बाद माइनस 1/2 और उसके बाद ये लास्ट में है प्लस 1/2। दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट अगर करना चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो एक एज इट इज़ पहले लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो साइन है माइनस वो माइनस यहीं पे रहेगा, उसके बाद इसका दोस्तों ऐसा खंड करना है जो जिसका अंतर अंश के बराबर हो, तो ठीक है अगर खंड किया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैसा
लेना है संख्या खंड करने के बाद जिसका अंतिम अंक और दूसरे खंड में वो प्रथम अंक हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो कट जाने के बाद हमें क्या सिंपल मिल रहा है, एक बटा दो, तो वो यहाँ पर हो जाएगा एक बटा दो। और सभी कटने के बाद हमें सिर्फ लास्ट वाला मिल रहा है, लास्ट वाला दोस्तों प्लस में रहेगा। वो प्लस में क्यों रहेगा, क्योंकि ये माइनस से शुरू है, अगर प्लस से शुरू रहता तो यहाँ पर माइनस वाला प्राप्त होता। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 5/8 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक घटाओ 1/4 गुणा एक घटाओ 1/5 गुणा एक घटाओ 1/6। यह ऐसे चलते चलते दोस्तों टोटल 1/1/27 तक है, यानी संख्या है टोटल यहाँ तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हम कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, 3/4। इसे सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 4/5, और ये मल्टीप्लाई का साइन है तो दोस्तों मल्टीप्लाई रहेगा। यहाँ ये सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 5/6। इसके आगे अगर जो होगा 1/6 है तो 1/7 होगा, तो उसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, 6/7। और ये लास्ट वाले संख्या को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, 27 में से गया 26/27। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये देख सकते हैं फॉरवर्ड की तरफ सभी कट रहे हैं, यानी इस तरीके में कट रहे हैं। ये 3/4 गुना 4/5, यानी ये 4 ऐसे कट रहा है, ये फॉरवर्ड आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ, यानी इस तरफ वाली जितनी भी संख्या होगी वो कट हो जाएगी। तो ये कट होने के बाद यहाँ पे भी ये 26 है, ये भी कट हो जाएगा, तो शेष संख्या क्या बचा दोस्तों, ये 3 और ये 27। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसको, 3 और 27, और इसे कट करने के बाद दोस्तों क्या मिलेगा, 3 × 3 × 3 = 27, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/9। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा, इसे सॉल्व करने के बाद ये, और इसे सॉल्व करने के बाद ये, सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करते करते अंतिम तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन सी संख्या है जो कट रही है और किस पैटर्न पे कट रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3/4 और 4/5 में ये 4 आपस में कट जाएंगे, यानी ये सब फॉरवर्ड की तरह कट रही है। यानी दोस्तों फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक इस तरीके से होता है, एक फॉरवर्ड होता है और एक बैकवर्ड होता है। यानी फॉरवर्ड जो होता है वो आगे की तरफ होता है और बैकवर्ड क्या होता है, पीछे की तरफ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इस पैटर्न में कट रही है, यानी फॉरवर्ड की तरफ। तो फॉरवर्ड की तरफ यानी जितनी भी संख्या है इस तरीके से वो सभी कटती चली जाएंगी, तो यहाँ तक 26 भी कट जाएगी। तो बचेगा क्या दोस्तों, एक हमारे पास बचेगा ये 27 और दूसरा बचेगा ये 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/27, और 3/27 को कट करने के बाद दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 1/9। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्तों अगला देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। सेम है दोस्तों, अभी जो हमने माइनस में देखा वही चीज़ अभी यहाँ पे हमें प्लस में देखना है। यहाँ की जैसे अब ये 1+1/4, यानी इसको इसमें गुणा करेंगे 4 × 4, और ये 1 इसमें जोड़ देंगे, क्या बचेगा, 5, यानी 5/4। सेम ये गुणा, उसके बाद 5 × 5 और 1 6/5, फिर 6 × 6 7/6। सेम यहाँ तक अंतिम तक पहुँच जाएंगे और अंतिम सॉल्व करने पे मिलेगा 28/27। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने कहा एक फॉरवर्ड तरीके में कटता है और एक बैकवर्ड स्लैश, यानी फॉरवर्ड आगे की तरफ में और एक पीछे की तरफ में कटता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन कौन कट रहा है, ये 5/4 और 6/5 में ये इस तरीके से कट रहा है, ये इस तरीके से। तो यानी दोस्तों हम समझ सकते हैं कि इस टाइप वाली संख्या जो ऐसे होगी ये कटती चलेगी। तो यहाँ पे हमें शेष क्या बचेगा, एक यहाँ पे 28 और नीचे 4, यानी 28/4, और इसे कट करने पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं,
ये लिखा हुआ है ना, एक घटाओ एक बटा दो का होल स्क्वायर, फिर गुणा में एक घटाओ एक बटा तीन का होल स्क्वायर, एक घटाओ एक बटा चार का होल स्क्वायर, सेम ऐसे ये बढ़ता गया, एक घटाओ एक बटा पाँच, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये एक घटाओ अंतिम संख्या कहाँ है दोस्तों, एक बटा दस तक। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें कुछ स्पेशल ये फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मान सकते हैं दोस्तों हम इसको इस पैटर्न से लिख सकते हैं, जैसे ये एक बटा, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये जो लिखा हुआ है ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ वन माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, इसको दोस्तों हम ये मान सकते हैं, यानी इसे मान सकते हैं वन, फिर माइनस है तो माइनस वन बाई ए स्क्वायर। तो जैसे जैसे ये संख्या यहाँ पे बढ़ेगी, अगर ये वन माइनस वन बाई टू स्क्वायर है तो ये इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे थ्री होती थ्री स्क्वायर तो अगले में क्या हो जाता है, ये बी स्क्वायर हो जाता। फिर अगला अगर ये थ्री से फोर है तो ये क्या हो जाता, सी। ऐसे करके ये टोटल कहाँ तक चलेगा अल्फ़ाबेट दोस्तों, जेड स्क्वायर तक, देख सकते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए हमें ये फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इस फार्मूले से हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ए माइनस वन मल्टीप्लाई जेड प्लस वन डिवाइडेड बाई ए इंटू जेड, यानी यहाँ पे दोस्तों हमें पता है ना ये ए स्क्वायर है, यानी ये ए हमारा क्या है, दो है। बी स्क्वायर यानी बी हमारा क्या हो जाएगा, तीन। सी अगर यहाँ रहता दोस्तों तो सी क्या हो जाएगा, फोर स्क्वायर। डी ई एफ ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ देख सकते हैं जो अंतिम दी होगी वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा, यानी हमारा जेड क्या है, दस। तो इस फार्मूला के मुताबिक अगर जो हमसे अल्फ़ाबेट जैसे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है फार्मूला में क्या है, ए माइनस वन, यानी ए हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो है, तो मैंने यहाँ पे दो लिख दिया। उसके बाद जो माइनस है तो माइनस, वन है तो वन, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या है जेड, तो जेड देख सकते हैं हमारा क्या है अंतिम संख्या, दस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दस। उसके बाद जैसे यहाँ प्लस में दिया है तो प्लस एक हो गया। सेम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं दोस्तों ए इंटू जेड, यानी ए क्या है हमारा, ए हमारा ये दो है, और जेड क्या है हमारा, जेड हमारा दस। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि दो में से एक गया, कितना बचा हमारे पास, एक, और दस एक ग्यारह, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और दस दुना बीस, यानी ग्यारह एक कम ग्यारह और बटा बीस। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ग्यारह बटा बीस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न ये है, छठा प्रश्न, देख सकते हैं अंडर रूट में है टू प्लस, फिर अंडर रूट टू प्लस, फिर अंडर रूट टू प्लस, और अंडर रूट टू प्लस, ये दोस्तों इन्फिनिट तक है, ख़त्म ही नहीं है, अनंत तक है, इसका हल क्या होगा। तो नोट पे दोस्तों मैंने कुछ बात लिख रखी है, वो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले अंकों का खंड करेंगे, ठीक है, खंड करेंगे, जिसका अंतराल हमेशा एक होना चाहिए। तो समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब उनका खंड करेंगे और उसका अंतर हमेशा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर प्रश्न प्लस से शुरू हो, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रख सकते हैं कि अगर प्रश्न प्लस से शुरू हो, ठीक है, यानी अगर प्रश्न प्लस से शुरू हो तो इसका उत्तर बड़ी संख्या होगी, और अगर प्रश्न माइनस से शुरू हो तो इसका उत्तर छोटी संख्या होगी। तो यहाँ तो दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि जो प्रश्न है वो प्लस से शुरू है, देख सकते हैं ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यानी तो जो आंसर होगा वो संख्या बड़ी वाली होगी। तो चलिए इसका खंड कर लेते हैं। अब जो दी गई संख्या है दो, मैंने दो, इस दो का खंड किया, यानी एक गुना दो, इसका अंतर देख सकते हैं दोस्तों एक आ रहा है ना, तो हमें वैसे ही खंड करना है जिसका अंतर हमेशा एक होना चाहिए। अब यहाँ पे हम कैसे पता लगाएं कि इसका उत्तर एक होगा या दो होगा, तो यहाँ पे हमें चूंकि ये बात बता दी गई है कि अगर प्रश्न प्लस से शुरू हो तो इसका उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी हमेशा बड़ी संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू प्लस अंडर रूट में है, ये प्लस प्लस वाला पैटर्न चल रहा है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो बड़ी संख्या होगा, यानी क्या होगा, टू होगा। अगर दोस्तों सेम क्वेश्चन रहता और ये अगर ऐसे रहता अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू ऐसे करके रहता, यानी ये माइनस से होता, तब हमारा उत्तर क्या हो जाता दोस्तों, एक हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर माइनस रहेगा तो हमारी उत्तर क्या हो जाएगी, छोटी संख्या, और अगर प्लस रहेगा तो हमारी उत्तर क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, दो है जो प्लस में आंसर होगा, छोटी संख्या क्या है, एक है जो कि माइनस में
इस प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न बहुत ईजी है दोस्तों। अगर ये प्रश्न ऐसे रहता है, कोई साइन नहीं हो, सिर्फ सिंपल हो, कोई भी संख्या दी हुई, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कोई भी अंडर रूट में दी गई हो दोस्तों, और वो इन्फिनिट तक हो, कोई साइन नहीं हो, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसमें हमें साइन देखना था, इसमें अगर कोई साइन नहीं हो तो जो संख्या दी गई हो वही उस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, इसमें भी एक नोट करने वाली बात है दोस्तों, उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ टाइम्स में दी गई है, यानी ये इन्फिनिट वगैरह कुछ नहीं दिया, ऐसा ये कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो हमने देखा, देख सकते हैं इससे पहले जो हमने देखा उसमें ये साइन दे रखी है यानी इन्फिनिट, और अब वाली जो थी उसमें कोई साइन नहीं दे रखी है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे कोई साइन नहीं दे सकती है, यानी ये टोटल कोई साइन नहीं दे रखी है। ये टोटल कितने टाइम से ये पता लगाना है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। तो वो सूत्र हमारा दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है आप लोगों के लिए। ठीक है, ए फिर पावर हो जाएगा ए का 2n-1 फिर अपॉन 2n। ये जो दोस्तों एन है ये नंबर ऑफ टर्म कह सकते हैं हम, यानी कह सकते हैं कि ये जो अंडर रूट 5 है ये कितने टाइम्स आया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले में, और ए जो हो जाएगा, ये देख सकते हैं ए वो हो जाएगा दोस्तों जो इस अंडर रूट में संख्या दी हो, और ये एन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एन हो जाएगा कि ये जो संख्या है ये कितने बार आए हैं। यहाँ देख सकते हैं ये तो 1, 2, 3 बार है, यानी यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, 5। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ए जो संख्या है यानी संख्या क्या है, 5, यानी यहाँ पे मैंने ये लिख दिया ये 5, और एन क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म यानी ये कितनी बार आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 बार 2 बार और 3 बार, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2n की जगह 2n-3 और -1 एज इट इज़ लिख दिया। फिर यहाँ पे वही चीज़ लिखना है 2n यानी 2n-3। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 2n-8। 2n-3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 को 3 बार लिखकर गुणा करना। 2n-3 का मतलब 2 को 3 बार लिखकर गुणा करना। तो मैं अगर इसको गुणा करूँगा तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 2 × 4 × 8 यानी 2n-8। और 2n-8 हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, क्योंकि 2n-3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8, और उस ये 8 हो जाएगा, यानी इसकी जगह हम 8 भी लिख सकते हैं, और इस 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 7, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 8। यानी देख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 5n-7/8। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आएगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो ए है वो जो अंडर रूट में दी गई संख्या होगी वो हो जाएगी, और एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म यानी ये संख्या कितनी बार आई। अगर यहाँ पे ये अंडर रूट 5 बार आता तो ये एन की जगह क्या हो जाती, 5 हो जाती। अगर ये अंडर रूट में संख्या 2 टाइम्स आता तो ये एन की जगह में क्या हो जाती, 2 हो जाती। उसके बाद दिए गए फार्मूला के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को गणित की जादू की भी वीडियोस मिलती रहे और GK GS से भी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। जल्दी दोस्तों मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों का फीडबैक मिलता रहा दोस्तों तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और भी अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ अपलोडेड करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। थैंक यू दोस्तों।